हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो 3:30 बज रहे हैं और 6 बजे से कीर्तन स्टार्ट है श्याम बाबा का, और दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है जैसे कि रात में वो लोग परेशान ना करें, और उन्हें भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे नहीं रुकने के हैं वो, और क्योंकि फिर रोएंगे फिर मुझे आना पड़ेगा, पर मुझे पूरे कीर्तन में रुकना है, इस वजह से मैंने अभी दोनों को सुला दिया है। और इन लोगों का थोड़ा बहुत सामान भी रखना पड़ेगा, जैसे अंकु का दूध वूध रखना पड़ेगा और आयु के लिए भी चिप्स वगैरह रखना पड़ेगा, तो वो बैग लगाने जा रही थी मैं, और अपने जो सूट है वो भी मैं प्रेस करने जा रही थी। हाँ, तो या गाइस बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे 6:30 बजे, जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ मैं नुमाइश टाउन के लिए निकलूंगी। सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं यहाँ से पहले घर जा रही हूँ, फिर मम्मी के साथ जाऊँगी नुमाइश ग्राउंड। आई हूँ, नोना को भी साथ में लेके जा रही हूँ, वो दोनों को भी तैयार कर दिया मैंने, और हस्बैंड आ गए हम लोग को लेने के लिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। गाइस, हम लोग घर आ गए हैं, और यहाँ मतलब घर आ गई हूँ मैं मम्मी के पास। अब हम ये लोग, मैं यहाँ से जा रही हूँ मम्मी के साथ नुमाइश ग्राउंड, बस मम्मी तैयार हो रही है, फिर हम लोग फटाफट से। गाइस, हम लोगों ने रिक्शा कर ली है और हम लोग जा रहे हैं नुमाइश ग्राउंड, बहुत मजा आएगा बाबा की कीर्तन में। वाह भैया, मजा आ गया। डेकोरेशन आपकी तो है मस्त। हेलो भैया, तो सभी से आग्रह है कि सभी भक्त नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में पहुंचकर बाबा की जोत को लेकर जोत को आह्वान करते हैं। सभी भक्त तालियों के साथ बाबा को रिझाएंगे, बाबा को मनाएंगे और कहेंगे किस प्रकार, और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हाथू वाले बाबा जय श्री श्याम। दर्शन से कल्याण,
बैठ कर तो देखो नहीं जा पाओगे, अगर खड़े हो जाओ। खुशियां चाहिए तो सभी ये थोड़े थोड़े फूल पकड़ लेना सभी।
आराम से हो गए होंगे अब तो बहुत। अरे अरे।